हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राजिता लेट स्टॉक लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बेदखल के बारे में बात करेंगे कि बेदखल क्या होता है, बेदखल कौन करवा सकता है और आखिर लोग बेदखल क्यों करवाते हैं। फ्रेंड्स, इन तीन क्वेश्चंस का जवाब आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी को अपनी ज़िंदगी और अपनी संपत्ति से अगर दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कानूनी कार्यवाही करनी होगी, जिसमें आप उस व्यक्ति को अपने जीवन और संपत्ति से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इसी को हम बेदखल या डिसओन करना कहते हैं। कोई भी किसी को भी बेदखल करवा सकता है, जैसे माता पिता अपने बेटे या बेटी को, ऐसे ही बेटा या बेटी अपने माता पिता को, भाई अपने भाई या बहन को, पति या पत्नी भी एक दूसरे को ऐसे ही बेदखल करवा सकते हैं। वैसे पति या पत्नी जब सरकारी नौकरी में होते हैं तो दहेज या तलाक के केस के चलते वे एक दूसरे को अपनी सरकारी नौकरी के बेनिफिट नहीं देने के लिए भी बेदखल करवाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोग आखिर बेदखल करते क्यों हैं या करवाते क्यों हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई बेटा, बेटी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, मान लीजिए गलत हो जाए और उस पर उसका कोई भी नियंत्रण या कंट्रोल ना रहे और उसको लगे कि ये व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इसकी गैर कानूनी या असामाजिक हरकतें उस व्यक्ति को मुसीबत में डाल सकती हैं, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को बेदखल घोषित करवा देता है कि अब उसकी ज़िंदगी में इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। अगर भविष्य में ये व्यक्ति कुछ भी गैर कानूनी और गैर सामाजिक करता है तो इसमें उस व्यक्ति की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे कि बेटा अपने पिता की संपत्ति का स्वाभाविक दावेदार होता है, संपत्ति के लिए कई बार विवाद भी होते हैं और यह अपराध की हद तक चले जाते हैं। कभी कभी माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति उनके बेटे को मिले, तो ऐसे में माता पिता अपने बेटे को बेदखल करवा देते हैं। वैसे दूसरे रूप में देखें तो लोग दहेज केस से बचने के लिए ज़्यादातर अपने बेटे को बेदखल करवा देते हैं। जब पत्नी अपने पति पर दहेज का केस करती है तो पति अपने माता को बचाने के लिए अपने आप को उनसे बेदखल करवा देता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेदखल करने के कानूनी तरीकों के बारे में बात करेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।